कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम नेक्स्ट जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो उसका जो टॉपिक हमारा कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो कंपाउंड नाम ही बता रहा है कंपाउंड, कंपाउंड के मीन्स है दो या दो से ज़्यादा उसमें क्या होंगी लेयर्स होंगी। और जो सिंपल हमने पढ़ा था सिंपल के अंदर क्या थी, ओनली सिंगल लेयर इज देयर वेदर इट में भी स्क्वेमस कॉलमनर और क्यूबॉइडल, बट इन दिस केस देर आर थ्री और मोर लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। तो जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर आपको टू और मोर देन टू लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। मीन्स सिंपल सी बात है, मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। क्लियर बेटा, यहां तो समझ में आई बात। और ये जो टिश्यू है फर्दर टू टाइप्स का होता है हमारा, एक है स्ट्रेटिफाइड एंड सेकंड हमारे पास क्या है, एक तो क्या बोल रहा स्ट्रेटिफाइड, दूसरा हमारे पास क्या है ट्रांजिशनल ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहां पर जो स्ट्रेटिफाइड की बात करें, जो ये जो वर्ड है स्टेटी, इसको हम ले सकते हैं कि स्ट्रेटा वर्ड से जो आया है, स्ट्रेटा वर्ड से आया है। स्ट्रेटा का मीन्स है लेयर्स ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू है की बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या है 4 to 5 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कितने होंगे बेटा, 4 to 5 स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये जो टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो लोअर जो सेल्स होते हैं लेयर्स के अंदर, अगर डायग्राम बना के देखें तो ऊपर की तरफ हमारे क्या एक सेल्स हमारी एक लेयर होगी हमारी ठीक है, न्यूक्लियस हो गया हमारे यहां पर। इसके नीचे भी हमारे क्या मिलेंगे सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स ठीक है। तो जो नीचे वाले जो सेल्स होते हैं ये आपके किस तरह के मिल सकते हैं, चाहे तो मिलेंगे आपको ये क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू ठीक है, चाहे तो क्यूबॉइडल मिलेंगे या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कॉलुमनर आपको एपिथेलियम देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है, कॉलुमनर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो 4 or 5 लेयर्स की अगर क्या होती है यहां पर लेयर्स होती है सेल्स की, तो इनका जो नीचे वाला जो लेयर होती है बेसमेंट लेयर जो होती है हमारी सबसे नीचे वाली, वो लेयर आपकी किसकी हो सकती है मे बी कॉलुमनर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द दिस टाइप ऑफ टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर सबसे नीचे जो हमारे होंगे चाहे तो कॉलुमनर सेल्स मिलेंगे और या सब क्या मिलेंगे आपको क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें इसकी पोजिशन की, कहां पर हमें देखने को मिलेगा पोजिशन की बात करें, कहां पर आपको देखने को मिलेगा स्किन है
जो हमारी स्किन है इसके अंदर भी क्या हमें ये स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है, सॉरी स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। और फर्दर जो स्ट्रेटिफाइड है ये दो तरह का होता है हमारा, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड ठीक है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड की बात करें तो डेड सेल्स विच आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाए इनके, हम नाइन्थ हमारे इतना है नहीं, थोड़ा एनटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बताया हमने यहां पर कि स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है 4 to 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, पोजिशन क्या हमारी स्किन है, इसके बाद ओरल जो कैविटी है, ओरल कैविटी का मतलब क्या है, जो हमारी जो बक्कल कैविटी है मुंह के अंदर की बात हो रही है, इसके अंदर इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस में हम देखने कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, स्किन है, ओरल कैविटी है, इसोफेगस है। और सबसे बड़ी बात अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इनके पास क्या होती है, ये माइटोसिस की मदद से, माइटोसिस की मदद से क्या है, ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि जो डेड सेल्स हो जाते हैं उनको लगातार ये रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इनके पास जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं इनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है, जिसके कारण क्या है, वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स का क्या है फॉर्मेशन करते रहते हैं, ताकि जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन क्या कई बार देखा हो आपने इंसानों की, स्किन क्या है वो रिमूव होती रहती है, अपने आप ही क्या है उसके फ्लेक्स से बन के वो निकलते रहते हैं और एक नई स्किन आती रहती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था जिसके जरिए क्या है नए सेल्स वो टेक ओवर कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं हम, ये जो प्रोसेस हमारा ये हुआ कैसे, ड्यू टू द माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक सेल क्या होता है डिवाइड करके दो सेल्स में की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल की फॉर्मेशन करता है, यानी कि पुराने जो वॉर्न आउट सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हो चुके हैं उनको रिप्लेस करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो फर्दर टाइप की मैंने बात की थी यहाँ पर, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, ये डेड सेल्स होते हैं। केराटिनाइज्ड के अंदर क्या होता है, केराटिन नाम की प्रोटीन होती है, हॉर्नी लेयर होती है हमारी, जो हमारे जो आउटर जो स्किन है वहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, हमारे हाथ है, हमारा सर है, तो यहाँ पर क्या है, केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है, केराटिन। हमारे हेयर्स की बात करें, अवर हेयर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ केराटिन, वो भी क्या केराटिन के बने होते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एपिथेलियम की, इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इससे कम होती हैं, 3 to 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल एपिथेलियम। जो कंपाउंड की बात करें, की बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो जाहिर सी बात है तो यहाँ मल्टीपल लेयर्स मिलेंगी। इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड इसमें लेयर्स ज़्यादा होती हैं, और इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल इसमें लेयर्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक टाइप का होता है, इसको हम ये खींच सकता है, इसकी लेंथ बढ़ सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी, ठीक है। तो स्ट्रेचेबल हो गया, और हमारे क्या है, इसके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती है, ट्रेडिशनल एपिथेलियम के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती है इतनी ज़्यादा, ठीक है, 3 to 4 लेयर स्ट्रेचेबल होता है। और इसके अंदर भी जो लोअर जो लेयर्स होती हैं, इस केस में भी जो सेल्स कैसे मिलेंगे आपको, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल, ठीक है, जैसे सेल्स हमें इस केस में मिले थे कॉलुमनर या फिर क्यूबॉइडल, तो वैसे ही सेल्स आपके हैं लोअर लेयर्स के अंदर, जो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचवी जो लेयर है सबसे नीचे वाली, यहां पर आपको कॉलुमनर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके बजाय यहां पर क्या क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते थे, ठीक है। तो यानी कि कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स क्या होंगे, जो लोअर लेयर होगी
इन द केस ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसके अंदर भी या फिर क्या मिलेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे या क्या मिलेंगे आपको, कोलोनमर सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात करें कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये जो हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है ट्रांजिशन। ठीक है, और इसके अंदर भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी जो कि यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पर क्या है देखने को मिलता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, हम क्या है टेम्पररी यूरिन स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको जगह ना मिले फॉर यूरिनेशन तो हम क्या है टेम्पररी यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है जो वाल होती है यूरिनरी ब्लैडर की वो स्ट्रेचेबल होती है, वो उसका साइज क्या बढ़ जाता है ताकि कुछ समय के लिए क्या हम उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यूरिन की जो स्टोरेज है वो बढ़ जाती है, वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो यही बात मैंने बताई थी यहाँ पर कि स्ट्रेचेबल होता है। तो ये स्ट्रेचेबल अगर जो प्रॉपर्टी है जो हमें समझने में आसान तरीका है जो हम जहाँ से हम समझ सकते हैं वो हमारा क्या यूरिनरी ब्लैडर है, एक थैलीलोमा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है, तो इसका साइज क्या इंक्रीज कर जाता है, स्ट्रेचेबल है वो। ठीक है, इलास्टिक होता है तो इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जो मॉडिफाइड जो आपके जो एपिथेलियम है। ठीक है, तो मॉडिफाइड ठीक है, जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम, मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का हमारा लास्ट पार्ट है ये मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो दो तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, एक है हमारे पास ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, ये तो ग्लैंडुलर हो गया हमारा, सेकंड हमारे पास है सीलिएटेड, इसके बारे में हमने डायग्राम देखा था लास्ट लेक्चर में अगर याद हो आपको, तो वही डायग्राम हमारा यहाँ बनने जा रहा है अभी। ठीक है, ग्लैंडुलर कोलोमनर एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कोलोमनर की बात हो रही है तो सेल्स हमारे क्या होंगे, कॉलम लाइक सेल्स होंगे, नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस तरह के क्या हमारे कॉलमनर सेल्स होते हैं और इसके अंदर कुछ सेल्स क्या करते हैं मॉडिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कुछ सेल्स हमारे क्या है मॉडिफाई कर जाते हैं टू सिक्रीट द म्यूकस। तो ये जो कॉलमनर जो एपिथेलियम है ये मॉडिफिकेशन होगी इसकी, तो एक ये आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स मीन से जो कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, म्यूकस हो, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या ये जो कोलोमर सेल है ये मॉडिफाई करके क्या बन गया, ग्लैंडुलर कोलोमर एपिथेलियम। तो इस सेल को क्या कहेंगे हम, इस सेल को कहेंगे हम गोब्लेट सेल, क्या कहेंगे गोब्लेट सेल। ठीक है, अब ये जो गोब्लेट सेल है इट सिक्रीट, यहां से क्या सिक्रीट करेगा बेटा ये, ठीक है, इट सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस का एक लार, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, एक तरह की लार होती है, एक तरह का पानी जैसा, पानी जैसा एक फ्लूड होता है जो कि ये गोब्लेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर कोलोमर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर मतलब विच सिक्रीट सम फ्लूड्स, जो कुछ फ्लूड सिक्रीट करते हैं इस तरह के जो कोलोमर सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर कोलोमर एपिथेलियम। तो ये गोब्लेट सेल्स कहा जाएगा, म्यूकस सिक्रीट होगा। तो इस तरह के जो ग्लैंडुलर कोलोमर एपिथेलियम है हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा जो स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है, यानी कि एपिथेलियम की बात हो रही है, इसकी लाइनिंग है, वहाँ पर आपको क्या है ये
ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगा, और वो क्या करते हैं बेटा, दे सिक्रेट म्यूकस। जो म्यूकस क्या करता है, जो इंटेस्टाइन की जो कवरिंग होती है बाहर वाले, जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम HCl, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए जो ये आपके गोबलेट सेल्स हैं, दिस सीक्रेट म्यूकस, एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं हमारे स्टमक के लाइनिंग के ऊपर, ताकि जो एसिड है, जो तेजाब है, वो हमारे स्टमक को ख़राब, जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको ख़राब ना कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो हमारा था कोलुमनर ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलिटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमें एक तो लेक्चर देखा था, उस लेक्चर के अंदर आपको कोलुमनर सेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से क्या है, आपको स्ट्रक्चर नज़र आए होंगे। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम सीलिया, इन्हें क्या कहते हैं हम सीलिया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सीलिया, सीलिया एक्चुअली है क्या, दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द कोलुमनर एपिथेलियम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द कोलुमनर एपिथेलियम, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। तो जो सीलिया हैं, इनका काम होता है मूवमेंट करना। ठीक है, ये हिलती हैं, इनके अंदर मूवमेंट होती है, जिसके कारण ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को क्या है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह भेज सकती हैं। ठीक है, लगातार वाइब्रेट करती हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकती हैं, वो ऐसे भी कर सकती हैं, तो अलग अलग मूवमेंट होती है इनकी। तो ये सीलिया क्या है, सीलिया के पास एबिलिटी होती है फॉर टू मूव, और इनके मूवमेंट के कारण कुछ जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस तरह का जो आपका जो सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर पोजीशन की बात करूँ तो कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब हमारा जो ये जो गला है, यहाँ से ऊपर तो हमारा क्या है, ये वॉइस बॉक्स है, इससे नीचे हमारा एक ट्रेकिया स्टार्ट होता है, यहाँ तक ये ट्रेकिया सारा। ठीक है, तो कई बार देखा होगा हमारे गले में हम खराश करते रहते हैं, इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे कफ सा जम जाता है, तो सांस के साथ जो डस्ट वगैरह जाती है, तो उस डस्ट को क्या है, ये बाहर की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सीलिया है, ये इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टू ट्रेकिया, हमारे जो विंड पाइप के जो की बात करें, तो यहाँ से क्या है, ट्रेकिया के थ्रू क्या है, हमारे बाहर की तरफ के फ्लेजम को निकालने में मदद करती हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको बाहर फेंकने में मदद करती हैं। इसके अलावा जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब सेकंड अगर बात करें जो ह्यूमन टेस्टिस के अंदर, ये इस तरह का क्या है, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग या फिर जायगोट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो गले में हमारा क्या, ये मूवमेंट करते हैं किसके लिए, जो डस्ट पार्टिकल उनको बॉडी के बाहर फेंकने के लिए क्या है, वो बीट करते हैं लगातार, ताकि डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंका जाए, वो हमारी सांस के नली में या विंड जो पाइप हमारे जो लंग्स हैं यहाँ पर ना पहुँचे। ठीक है, और वैसे ही क्या, फेलोपियन ट्यूब और के अंदर भी ये एग को ओवरी से लेकर क्या यूट्रस तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जायगोट को भी क्या है यूट्रस तक पहुँचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। बात समझ में बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और साथ में डिस्कस किया हमने जो मॉडिफिकेशंस थी हमारी किसकी, कोलुमनर एपिथेलियम की, उसके बारे में डिस्कस किया, जैसे कि आपका जो क्या था, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर में क्या होता है, ये इट मॉडिफाइड टू फॉर्म्स द ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स वो
सेल्स होते हैं जहाँ से क्या है कुछ सिक्रीशन बाहर निकलती है, चाहे वो इंजाइम हो, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो। तो हम यहाँ के जो बात कर रहे हैं, हम के म्यूकस की बात कर रहे हैं, जो स्टमक के अंदर हमारे क्या है जो लाइनिंग होती है उसके अंदर गॉलब्लैडर सेल्स होते हैं कोलुमेला एपिथीलियम में, जो कि एक तरह का ग्लैंड का काम करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। सेकेंड, हमने सिलेटेड के बारे में जाना कि सिलेटेड जो कोलुमेला एपिथीलियम है ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, जैसे कि हमारे ट्रेकिया में था, जैसे फ्लोपियन ट्यूब में था। तो ये जो हमने जाना आज के, आज हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, तो आज के लिए बता यही टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और याद रहे कि जो आपका राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन है इसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारी क्लासेस की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।